कि सरकार सरकारी कंपनी बीएसएल और एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेच के फंड जुटाना चाहती है। दोनों कंपनियों की जो प्रॉपर्टीज है वो प्राइम लोकेशन पर है, ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों के अंदर है। पिछली बार जब इसकी नीलामी हुई थी तो सरकार को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। सरकार ने पाया कि दोनों कंपनियों ने बुक वैल्यू में अपनी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा दिखाई है, जिसकी वजह से कोई भी बाहर इसको खरीदने के लिए सामने नहीं आया। तब सरकार ने इसका वैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से कराने का फैसला किया। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जो वैल्यूएशन होगी उसकी वेटेज 60% होगी। तो उसकी वैल्यूएशन करने के बाद सरकार प्रॉपर्टीज की बिक्री करने की शुरुआत करेगी। अगले एक से दो हफ्ते के अंदर सरकार इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दोबारा से बोलियां मंगा सकती है। सरकार का इरादा इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इन प्रॉपर्टीज को बेच करके फंड जुटाना है। तो इन प्रॉपर्टीज को बेच करके सरकार करीबन 2000 से लेकर के 2500 करोड़ रुपए जुटा सकती है।